हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ऋतु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है GERD, मतलब कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, जिसको कि एसिड रिफ्लेक्शंस भी बोला जाता है, हाइपर एसिडिटी भी बोला जाता है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाली हूँ। तो मैं पहले आपको जनरल कंडीशन बताऊँगी किन किन कंडीशंस में ऐसा होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, साथ ही क्या कॉजेज हो सकते हैं और इसका क्या प्रिवेंशन होता है और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या लेना है आपको। तो आज मैं इन सब पे बात करती हूँ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले नाम से जैसे समझ में आ रहा है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब कि इसोफेजियल और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं ये। और जो गैस्ट्रिक अपनी जूसेस होते हैं, जो कि आपका HCl एसिड होता है एंड पेप्सिन होता है एंजाइम, जो कि स्टमक में ऑलरेडी रहते हैं, जो कि डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को और हेल्प करते हैं फूड को तोड़ने में। लेकिन अगर वहाँ पर वो एसिड रिफ्लेक्शंस होने की वजह से वो एसिड जो है आपके इसोफेगस में आने लग जाता है, तो वहाँ पर आपको जलन होती है, बर्निंग होती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है इसोफेगस में, क्योंकि इसोफेगस जो होता है उसकी जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उसके लिए प्रोटेक्टिव नहीं होती है। क्योंकि स्टमक की जो लेयर होती है वहाँ पर इसके लिए प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बनता है म्यूकस बना, इसलिए वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है उसको उसकी लेयर से। लेकिन इसोफेगस में कोई भी प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर डैमेजिंग के चांसेस होते हैं, इन्फ्लामेशन होने की चांसेस होते हैं और अगर लंबे समय तक बना रहने की वजह से अल्सर्स वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं। तो एसिड रिफ्लेक्शन में सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं अपन को? तो सिम्टम्स यही कि एसिड अगर रिफ्लेक्ट करता है तो आपको हाइपर एसिडिटी की सिम्टम्स आएंगे, आपको हार्ट बर्न होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी, सीने में जलन होगी और गले में जलन होगी, इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। और अगर ये चीज़ लंबे समय तक होती रहती है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी मिलते हैं कि ये इन्फेक्शन की वजह, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो आपके लैरिंग्स में आ जाता है, थ्रोट में हो जाता है, इवन लंग्स तक भी इन्फेक्शन चला जाता है। तो ये जनरली सिम्टम्स के साथ में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अब मैं बात करूँगी इसके कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा जो है एक तरीके से कहा जाए तो कॉज अभी तक पूरे तरीके से नहीं समझ में आता है कई बार, लेकिन जनरली जो कॉजेज होते हैं तो वो होते हैं कि आपका जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस के स्फिंक्टर्स होता है, एक स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जो कि आपके फूड को अंदर तो जाने देता है लेकिन बाहर नहीं आने देता है, वो क्लोज हो जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू फूड वहाँ जाता है, वो ओपन होता है और फूड अंदर जाता है, वापस क्लोज हो जाता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन किसी भी वजह से या तो वहाँ पर स्फिंक्टर्स लूज हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए तो वहाँ से वापस रिटर्निंग हो सकती है फूड की, या फिर आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है, फूड को ग्रेविटी के थ्रू नीचे नहीं ढकेला जा रहा है, तो उसकी वजह से भी रिफ्लेक्ट होता है फूड आइटम्स। तो ये कॉजेज देखे जाते हैं। कई बार हाइटस हर्निया देखा जाता है, हाइटस हर्निया भी एक डिजीज़ कंडीशन है इसोफेजियल, तो वहाँ पर उसकी वजह से भी ऐसा देखा जाता है। और कई बार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसे हो चांसेस देखे जाते हैं। और कुछ ओवर जैसे ओवर वेट होना, बहुत ज़्यादा वेट होना, वेट की वजह से भी रिफ्लेक्स हो सकते हैं, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा आपके स्टमक में है जिसके कारण प्रेशर पड़ता है पेट में और आपका जो है रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कुछ एक्यूट कंडीशंस जो हो जाती है प्रेगनेंसी में भी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी प्रेशर पड़ता है उस जगह पे, जिसकी वजह से फूड रिफ्लेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भी बताया, इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसके लिए जो है देखा जाता है कि ये एक फीडबैक मैकेनिज्म भी इसके लिए बॉडी करती है स्टार्टिंग में। तो फीडबैक मैकेनिज्म में ये होता है कि आपका सलाइवा ज़्यादा बनने लग जाता है, जिससे कि आपको जैसे ही रिफ्लेक्शंस होंगे उसके फीडबैक में आपके माउथ में सलाइवा ज़्यादा बनेगा, और सलाइवा ज़्यादा बनते ही वो जो है स्लो डाउन होगा और नीचे ही उसको एसिड को वापस अंदर कर देगा। और अल्कलाइन होता है सलाइवा हमेशा अपना, तो अल्कलाइन होने की वजह से उसको एसिड को न्यूट्रल करके उसको वापस से स्टमक में ढकेल देता है। लेकिन ये चीज़ प्रोसेस जो है सिर्फ आपका डे टाइम पे वर्क करती है, जब आप लेटे हुए रहते हैं। अगर रात में जिन लोगों को एसिड रिफ्लेक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ये प्रोसेस काम नहीं कर पाती, क्योंकि ग्रेविटी जो है आपकी फोर्स नहीं वहाँ पर लग पा रहा है कि वो उसको नीचे ढकेल सके। तो ये प्रोसेस भी होती है, लेकिन अगर ये चीज़ लंबे समय तक हो जाती है तो इससे परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं, आप कुछ खा पी नहीं पाते हैं, अब खाना पीना ढंग से नहीं खा पाते, हमेशा एसिडिटी लगता है, फील होता है, हार्ट बर्न होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और क्योंकि इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है, और कई बार स्ट्रेस भी एक कारण होता है एसिड रिफ्लेक्शन का। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ प्रिवेंशंस पे। तो प्रिवेंशंस में यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि प्रिवेंट करना
कैसे कर सकते हैं प्रवीण? एक तो आप एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खाइए पेट भर के, आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी मील लेते रहिए और थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए। और इसके साथ में आपको जो है, अगर आप ओबेज हैं तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ाइए, डाइजेशन इम्प्रूव करिए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा कि एसिड नहीं ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। देन एक्सरसाइजेस करेंगे और हर 2 आवर्स में खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन एक साथ खाना खाएंगे पेट भरेगा, एसिड रिफ्लेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे इस पर बात करेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में यहाँ सबसे पहली फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन हो जाती है हार्ट बर्न के लिए और एसिड रिफ्लेक्शंस के लिए, आपकी हाइपर एसिडिटी के लिए नेट्रमफॉस मेडिसिन। नेट्रमफॉस मेडिसिन, अगर आपको एसिड रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, साथ में आपको शुगर खाने से कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो एसिड रिफ्लेक्शंस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत इफेक्टिव हो जाती है नेट्रमफॉस मेडिसिन। नेट्रमफॉस मेडिसिन को 6 एक्सपोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 3 टाइम्स लिया जाता है, इसकी डोजेज होती है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है वो है रूबीनिया मदर टिंचर। तो रूबीनिया मदर टिंचर को भी 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये आपके स्टमक के एसिड को थोड़ा सा अल्कलाइन करता है, जिससे कि हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम्स कम होती है। देन नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज में सबसे ज़्यादा बताती ही हूँ आप लोग को लाइव क्लिनिक पे, कार्बोवेज जहाँ पर भी एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, गैस ऊपर की तरफ आ रही है, आपको फंस रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन हो जाती है। और इसको कंपेयर करती हूँ मैं कि जैसे आप एलोपैथी की एंटी एसिड मेडिसिंस लेते हैं, पीते हैं, खाली पेट सुबह लेना होता है, उसकी जगह पर आप होम्योपैथी की कार्बोवेज लीजिए, जिससे कोई नुकसान भी नहीं होगा आपके म्यूकोसा के पे, और कहते हैं आपको बहुत ही इफेक्टिव भी रहेगी। तो नक्स कार्बोवेज मेडिसिन को 200 पोटेंसी में मॉर्निंग में खाली पेट एक बार 1 टाइम ही लें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो इसको 2 टाइम्स भी रिपीट किया जा सकता है, सुबह और शाम। नेक्स्ट मेडिसिन पे बात करें वो है आपकी हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। जहाँ पर भी अगर आपके इंटरनल म्यूकोजा पे कोई इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रही है, इरोजन्स आ रहे हैं, अल्सर्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर को भी 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 टाइम्स लिया जाता है। देन एक और लास्ट मेडिसिन बताती हूँ, मेडिसिन तो बहुत सारी हैं जिसका मैं वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकती, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ और उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर एंटी एसिड के लिए आपको मैं बता देती हूँ, इस एक मेडिसिन है वो है ISV मेडिसिन। जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको गले में जलन होना, गले में इतना ज़्यादा जलन होना कि आपको लगेगा जैसे मिर्ची फंस गई है, इतनी जलन होगी, और उसके साथ में आपको गैस बनेगी और हेडेक होना शुरू हो जाएगा। इवन आपको इसकी वजह से माइग्रेन प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं, कुछ लोगों के एसिड रिफ्लेक्शंस होते हैं और बहुत ज़्यादा हेडेक होना शुरू हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ISV मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ISV मेडिसिन को भी 200 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स लिया जा सकता है। तो ये था गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्शन का डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट और साथ में क्या होता है। इसकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके से नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय।